आहार विधि विशेष आयतन, आहार मीन्स फूड, विधि मीन्स रूल्स, विशेष मीन्स स्पेशल, मीन्स फूड के लिए स्पेशल रूल एंड रेगुलेशंस कुछ आयुर्वेद में दिए गए हैं ताकि आपकी बॉडी को हेल्दी रखा जा सके और बीमारियों से बचाया जा सके। दीज आर द आयुर्वेदिक गाइडलाइंस टू ईटिंग राइट। बेसिकली आयुर्वेद के दो एम हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मींस स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, उसकी लॉन्गेविटी को इंक्रीज करना, मींस उसकी लाइफ में ईयर्स को बढ़ाना और ईयर्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना। और दूसरा एम है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, फिर भी अगर उसको कोई डिजीज हो जाती है तो उस डिजीज का क्योर करना। और आयुर्वेद में आहार को एक बॉडी का मेन पिलर बताया गया है, लाइफ के तीन पिलर्स बताए गए आयुर्वेद में। पिलर्स मीन्स उपस्तंभ, आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। तो उसमें आहार जो है फर्स्ट पिलर है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द लाइविंग ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज दैट अफ्लिक्ट इट आर बोथ द प्रोडक्ट ऑफ आहारा। मीन्स आपको हेल्दी लाइफ देना या डिजीज आपकी बॉडी में पैदा करना, दोनों ही आहार द्वारा संपन्न होते हैं। और आहार ही है जो आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल को नरिश करता है। बट प्रॉब्लम क्या है, इन टूडेज वर्ल्ड अल्टर्ड हैबिट्स ऑफ फूड कंजम्पशन मे लीड टू वेरियस डिजीजेज। आजकल जो है हम हर्री में रहते हैं, पैसा कमाने की होड़ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से खाना खाने का टाइम कम मिलता है। खाना खाते वक्त हम ध्यान नहीं देते क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। तो इसलिए इन रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए। इसीलिए ये रूल्स जो हैं कई हज़ार साल पहले आयुर्वेद में बताए गए हैं। देर आर मैनी गाइडलाइंस आर एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदिक टेक्स्ट विच आर टाइटल्ड एज आहार विधि, वेयर द लॉज ऑफ डूज एंड डोंट्स अबाउट डाइट एंड ड्रिंक्स आर गिवन। आयुर्वेदा ऑल्सो रिकमेंड्स दैट यू ड्रिंक योर वाटर वार्म एज कोल्ड वाटर कैन वीकन योर अग्नि। एक छोटा सा, इसे छोटे छोटे रूल्स भी बताए गए हैं, जैसे कि छोटी सी बात है कि आप हमेशा पानी हल्का गुनगुना पिए, जिससे आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है इंक्रीज होगी। एट प्रेजेंट मैनी न्यूअर फूड प्रोसेसिंग मेथड्स आर इन प्रैक्टिस विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग। आजकल जो है फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। दैट्स वाई आयुर्वेदा सुजेस्ट दैट वन शुड फॉलो दीज गाइडिंग प्रिंसिपल टू प्रिवेंट वेरियस डिजीजेज। तो क्या ये प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली 8 फैक्टर्स बताए गए हैं चरक विमान स्थान में। प्रकृति, करण संयोग, राशि, देश काल, उपयोग संस्था, उपयोगता, अष्टमानी भवंती। मीन्स प्रकृति, करण संयोग, राशि, देश काल, उपयोग संस्था और उपयोगता, ये 8 आहार विधि विशेष आयतन हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है प्रकृति, जिसको हम नेचुरल क्वालिटी ऑफ फूड भी कहते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी भी एक स्पेसिफिक प्रकृति होती है, हमारी बॉडी का हमारी एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिस हिसाब से हमारी बेसिक फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर डिसाइड होता है। ऐसे ही जो भी हम फूड्स सब्सटेंसेस खाते हैं उनका भी एक स्पेसिफिक प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। जैसे कुछ चीज़ें खाने में हैवी होती हैं, कुछ चीज़ें खाने में लाइट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीट इज हैवी व्हाइल कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल्स आर लाइट। सेकेंड है करण, प्रोसेसिंग ऑफ फूड, संस्कारो नाम गुणांतराधानम। संस्कार मीन्स प्रोसेसिंग करना। अब फूड की हम अगर प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके गुणों में अंतर आ जाता है। संस्कारो नाम गुणांतराधानम, दिस मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वालिटीज थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। प्रोसेस किस तरह से, फूड को कुक करना, फ्राई करना या रोस्ट करना, इस तरह की जो अलग अलग चीज़ें हम करते हैं फूड के साथ, उससे उसके गुणों में अंतर आ जाता है। ड्यू टू दिस द क्वालिटी और गुना गेट्स चेंज्ड बाय रोस्टिंग एंड स्टीमिंग द फूड बिकम्स लाइट। ठीक है, स्टीम भाप के द्वारा बनाना या आग पर रखकर रोस्ट करना, उससे क्या है, फूड लाइट हो जाता है, ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है। लेकिन फ्राई, अगर हम उसको तेल में फ्राई करते हैं तो वो हैवी हो जाता है,
क्योंकि उसके साथ ऑयल के गुण भी ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे दूध से कर्ड बनाते हैं, कर्ड जो है कफा प्रोवोकेटिंग है, लेकिन कर्ड से जब मक्खन बन गया और बटर मिल्क निकला तो वो इजी टू डाइजेस्ट है और वो वात पित्त कफ दोष को बैलेंस करने वाली होती है। तो इस तरह से प्रोसेसिंग से गुणों में, क्वालिटीज में अंतर आ जाता है। थर्ड है संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, मींस कोई दो या तीन आइटम आप इकट्ठी खा रहे हो तो वो जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन से एक नए गुण भी, नई क्वालिटीज भी प्रोड्यूस हो सकती हैं और वो कॉम्बिनेशन एक दूसरे की क्वालिटीज को एनहेंस भी कर सकता है। और अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आपने खा लिया जो एक दूसरे की क्वालिटीज को हार्म करता है तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दूध के साथ अल्कोहल लेना वर्जित है। दूध के गुण और अल्कोहल के गुण टोटली अपोजिट हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें इकट्ठी खाते हैं तो आपकी बॉडी में दोष बिगड़ जाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकता है, आपको बीमारियां हो सकती हैं। दूसरी तरफ जैसे अब दूध के अंदर, अभी आजकल कोरोना वायरस से या इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए दूध के अंदर हल्दी का प्रावधान बताया जा रहा है कि दूध के अंदर हल्दी डाल के लो, वो बेनिफिशियल रहती है। दूध और जो हल्दी का कॉम्बिनेशन है ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तीसरा, इसके अंदर एक काली मिर्च डालने के लिए भी बताया गया है, पेपर, ठीक है। हल्दी जो है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन उसकी एक कमी होती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी, मींस जो उसकी एब्जॉर्प्शन है वो कम होती है, तो काली मिर्च डालने से उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, मींस नए गुण आ जाना, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाना, मींस गुणों को एनहेंस कर देना। इस तरह से कॉम्बिनेशंस का फर्क पड़ता है। तो हम जब भी कोई फूड खाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ये कॉम्बिनेशन सही है या गलत है। नेक्स्ट इज राशि, मींस क्वांटिटी ऑफ फूड, मींस मात्रा, कि हमें कितना खाना खाना है। अगर हम मात्रा, फूड की मात्रा ज़्यादा खाएंगे तो वो भी नुकसानदायक है, और अगर हम फूड की मात्रा कम खाएंगे तो वो भी नुकसानदायक है। कैसे? ज़्यादा खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको स्टमक में पेन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेडेक हो सकता है। और अगर कम खाएंगे तो नरिशमेंट नहीं होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, आपके जो टिश्यूज हैं वो वीक होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आहार की प्रॉपर क्वांटिटी लेनी बहुत ज़रूरी है, ना ज़्यादा ना कम। अब दूसरी बात, क्वांटिटी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सर्वाग्रह राशि, मींस आप लंच के लिए बैठे, लंच में 6-7 आइटम है खाने के लिए, जैसे रोटी है, सब्जी है, दही है, लस्सी है, पानी है, और स्वीट डिश है, सैलेड है, तो कई सारी आइटम है, और आपने सभी आइटम थोड़ी थोड़ी लिए, मतलब एक तरह से बैलेंस डाइट ली, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सर्वाग्रह। दूसरा परिग्रह, मीन्स फॉर एग्जांपल आपको 500 ग्राम लंच करना था तो एक सारी आइटम आपने थोड़ी थोड़ी खा ली, खाया तो 500 ग्राम ही। दूसरी तरफ क्या है, आपके साथी ने क्या किया, उन 5 में से जो स्वीट डिश थी उसको वो पसंद आई, उसने वो 3 कटोरी खा ली और बाकी आइटम कम खाई, ठीक है। तो ये क्या है, बैलेंस बिगड़ गया। क्वांटिटी तो उसने भी 500 ग्राम ही खाई, आपने भी 500 ग्राम खाई, लेकिन बैलेंस नहीं रहा। तो इस तरह से हमें बैलेंस बनाकर खाना है और प्रॉपर क्वांटिटी में खाना है। अगर प्रॉपर क्वांटिटी में बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमारी हेल्थ बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट इज देशा, मींस प्लेस वेयर द फूड इज ग्रोन और कल्टिवेटेड। देशा कवर्स द प्लेस वेयर द फूड और मेडिसिनल हर्ब इज ग्रोन, प्लेस टू विच दे आर एक्सपोर्टेड, द प्लेस वेयर दे आर यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, द फूड और मेडिसिनल हर्ब्स ग्रोन नेचुरली इन हिमालयाज आर सेड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स कि जो आप खाना खा रहे हैं उसको कहाँ उगाया गया है, इससे उसके गुणों में फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हिमालय की जो भूमि है ज़्यादा पोटेंट है, तो वहाँ जो हर्ब या खाने की चीज़ें या फ्रूट्स उगाए जाते हैं वो ज़्यादा क्वालिटी वाले होते हैं एज कम्पेयर टू जो फूड या हर्ब्स आपके ड्राई रीजन से, जैसे राजस्थान है, जैसलमेर है, जो बिल्कुल ड्राई रीजन है, वहाँ अगर वो चीज़ उगाई गई है तो वो कहीं ना कहीं रुक्ष क्वालिटी की होगी, लाइट होगी, और जो हिमालय में उगाई गई है वो ज़्यादा हैवी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। तो इस तरह से
तीन तरह के जो हैं प्लेसेस बताए गए हैं। एक जंगल बताया गया है, जो डेजर्ट रीजन, जो ड्राई रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे राजस्थान में जैसलमेर है। दूसरा अनूप रीजन, मार्शी रीजन, मीन्स जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, जंगल टाइप जो होता है, ठीक है। थर्ड ही साधारण देश, नॉर्मल जो है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं नॉर्मल है, ना यहाँ जंगल है ना यहाँ ज़्यादा ड्राइनेस है, ठीक है। तो इन तीन तरह के जो हैं प्लेसेज होते हैं, और इन तीनों तरह पे जो जो फूड या हर्ब्स उगाई जाती हैं उनकी क्वालिटी डिफर करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहता है कि जो लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ का खाना उनको सतम्य हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ नॉर्थ में गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, वीट ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीट उगाई जाती है जगह जगह पर। जबकि हम साउथ साइड में जाएँ तो वहाँ पर लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाएँ या ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पर समुंदर नज़दीक है और खेत कम है, तो वो लोग जो है नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो उनकी बॉडी उस प्लेस के हिसाब से, उस खाने के हिसाब से अडप्ट कर गई है उस खाने को। मींस अब वो साउथ वाले पीपल अगर नॉर्थ में आए और एकदम से चावल छोड़कर गेहूं खाने लगे, तो उनकी बॉडी का सिस्टम जो है सभी डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही नॉन वेजिटेरियन खाने वाले अगर टोटली वेज पे आ जाएं, या वेज वाले नॉन वेज खाने लगे, तो उनका बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह का फूड देश के हिसाब से हमें सतम्य हो जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि अब कोई नॉर्थ का बंदा साउथ में गया और एकदम से उसने साउथ की चीज़ें खाने शुरू कर दी, तब भी उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो अगर ऐसी कोई शिफ्टिंग होती है तो आपको ग्रेजुअली फूड को चेंज करना है, ताकि आपकी बॉडी उस चेंज को अडप्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है काला, मीन्स टाइम ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड, कि किस टाइम हमें फूड खाना है। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें तीन तरह के लोग होते हैं। पहली तरह के लोग वो होते हैं जो बिल्कुल पर्टिकुलर और पंक्चुअल होते हैं टाइम के लिए, कि मुझे सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 2 बजे लंच करना है, 8 बजे डिनर करना है। एक फिक्स टाइम रखा हुआ है और उस फिक्स टाइम पर ही तीनों टाइम खाना खाना है। तो ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अच्छे से काम करता है और ये डिजीज फ्री रहते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं वो अपनी भूख के हिसाब से खाते हैं, कि जब भूख लगी तब खा लिया, ठीक है। ऐसे लोग भी हेल्दी होते हैं और इनका बायोलॉजिकल क्लॉक भी नॉर्मल लेवल पे रहता है। तीसरी तरह के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल वाले होते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है। कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, कभी 6 बजे खा रहे हैं, कभी 12 बजे खा रहे हैं। तो जो ऐसे लोगों का बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और कई सारी डिजीज लॉन्ग रन में इनको हो जाती हैं। तो इसलिए टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें टाइम दो तरह का हो सकता है, एक तो नित्यक टाइम, जो मैंने आपको बताया कि एक डेली रूटीन है एक तो आपका, ठीक है। दूसरा सीजनल रूटीन होता है, कि गर्मियों में ये चीज़ खानी है या इस टाइम पे खानी है, सर्दियों में दिन छोटे हो गए हैं तो वहाँ पर टाइमिंग चेंज होगी, खाना पीना चेंज होगा, ठीक है। तो सीजनल और डेली रूटीन जो होता है वो नित्यक काल में आता है। और एक होता है अवस्थिक काल, अवस्थिक मीन्स अवस्था के अनुसार, कंडीशन के अनुसार। अगर आपको बीमारी हो गई है, कोई डिजीज हो गई है, तो उस डिजीज में आपका खाना पीना और आपका टाइमिंग चेंज हो जाता है, तो डिजीज के अकॉर्डिंग चेंज होना। और अवस्थिक में दूसरी सिचुएशन आती है एज के अकॉर्डिंग। जैसे एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज बाल्यावस्था, जो ग्रोइंग स्टेज होती है आपकी, ठीक है। उस स्टेज में खाना जो है थोड़ा डिफर रहता है, वहाँ हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज है। सेकंड स्टेज आती है मध्यमावस्था, जो एडल्टहुड होती है, ठीक है। तो उसके अंदर हमें भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन ग्रोइंग स्टेज नहीं होती हमारी, तो वहाँ हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। थर्ड आती है वृद्धावस्था, जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल रेस्ट करते हैं, तो वहाँ हमें लाइट फूड खाने की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से एज के अकॉर्डिंग और डिजीज के अकॉर्डिंग जो है फूड हैबिट्स में चेंज लाना अवस्थिक काल कहलाता है। नेक्स्ट है उपयोग संस्था, मीन्स रूल्स फॉर कंज्यूमिंग फूड। अब जो हमने जो विशेष आयतन हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर कहाँ का फूड खाना है, कैसे खाना है, किस टाइम खाना है, ये चीज़ें तो आ गई। इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जिनको हम रूल्स फॉर कंज्यूमिंग फूड या डाइटेटरी गाइडलाइंस भी बोलते हैं,
ये 10 तरह के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जैसे कि गर्म खाना खाना चाहिए, हमें ज़्यादा तेज़ तेज़ खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा स्लो भी नहीं खाना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ खाना चाहिए। इस तरह के ये 10 रूल्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इनको आहार विधि विधान भी बोलते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है आहार विधि विशेष आयतन, और ये होते हैं आहार विधि विधान। मीन्स ये है सिंपल रूल्स, और जो अभी पढ़ रहे हैं ये है विशेष स्पेसिफिक स्पेशल रूल्स। तो इसमें लास्ट है उपयोक्ता। उपयोक्ता होता है द पर्सन, द कंज्यूमर, जो फूड खा रहा है। अब क्या है, जैसे मैं आपको कहूँ कि सर्दी में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, वो नुकसान देती है, 90% पीपल को नुकसान ही देगी, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं वो सर्दी में ही आइसक्रीम खाते हैं और उनको वो सूट होती है, मीन्स वो ओक सतम में हो जाती है। जैसे नॉर्थ के लोग गेहूं खा रहे हैं तो उनको गेहूं ओक सतम में हो गया है, समुंदर के पास रहने वाले लोग नॉन वेज खा रहे हैं सुबह दोपहर शाम, तो उनको नॉन वेज ओक सतम में हो गया है। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि तीनों टाइम नॉन वेज खाओगे बहुत हैवी होता है, वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपको डिजीज क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो कंज्यूमर है, जो समुंदर के पास रहने वाला है, उसको वो नॉन वेज ओक सतम में हो गया है। ऐसे ही साउथ वालों को राइस ओक सतम में हो गए हैं। तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके देश के अकॉर्डिंग, वो कुछ चीज़ें सतम में हो जाती हैं कंज्यूमर को, तो उसको उस हिसाब से खाने का ध्यान रखना चाहिए। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं फूड के, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे हम डिजीज से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को स्ट्रेंथन करके लॉन्गेविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो दीज कंडीशंस थोरली। थैंक यू सो मच, होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू।